एक पिता ने अपने बेटा को, ध्यान से सुनना, एक पिता ने अपने बेटा को 100 रुपया दे दिया। अब बेटा 100 का नोट लिया और कहता है, पिताजी मुझे क्या करना है इस पैसे का? पिता ने कहा, बाहर जाओ और 100 रुपए की मिठाई खरीद के घर आ जाओ। और बेटा गया, जैसे बाहर निकला, गाड़ी में बैठ के चला गया, थोड़ा दूर जैसे पहुंचा, एक जगह भीड़ लगा था, और वहां जाके जैसे देखा तो उसको भी देखने का मन हुआ कि यहाँ क्या हो रहा है, मुझे देखना चाहिए। गाड़ी से उतरा और वहां जा करके देखने लगा। वहां पर किसी मूवी का शूटिंग हो रहा था, वहां पर एक हीरो है, हीरोइन है, फिर डायरेक्टर वगैरह सब है, वहाँ कोई सिखा रहा है, कोई नाटक कर रहा है, और सब लोग उसका आनंद ले रहे हैं, देख रहे हैं। अब उसने देखा तो जितने भी लोग देख रहे थे, देखने के लिए टिकट लग रहा था, एक टिकट का 100 रुपया। फिर बेटा ने सोचा, इतना बढ़िया चीज देखने को मिल रहा है, ये 100 रुपया दे देता हूँ। वो पैसा वहाँ दिया और फिर बाद में दुकान के रास्ते से जा रहा था, दुकान पूरा बंद हो गया था। फिर उसके बाद घर गया, पिताजी ने कहा, बेटा मिठाई दो। उसने कहा, पिताजी मिठाई नहीं ला पाया। फिर बोले, पैसा दो। तो बोलता है, पैसा खर्च हो गया। फिर पिताजी को उसने कुछ जवाब नहीं दिया। कहने का मतलब है, सबके पिता कौन है? कौन है? भगवान। हम सबके पिता भगवान है। भगवान ने हम सभी को 100 रुपया देके भेजा है। वो 100 रुपया क्या है? 100 साल, 100 साल का आयु दिया और कहा कि बेटा पृथ्वी में जाओ और कुछ कमा के कुछ लेके आओ, अच्छा काम करो, करके भेजा। लेकिन हम यहाँ आए, संसार रूपी नाटक को देखा, जैसे देखते हैं तो यहीं पर फंस जाते हैं और अपना 100 रुपया यहीं पर खर्च कर देते हैं, 100 साल उसी नाटक पर झूमते हैं, नाटक को देख करके खुश हो जाते हैं। और जब अंत समय आया, भगवान ने पूछा, बेटा क्या लेके आए? हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है। हमने तो ना अच्छा कर्म किया, ना भजन किया। अगर भजन किया होता, सत्संग किया होता, तो वहाँ जा करके, पिताजी आपने हमें 100 रुपये दे के भेजे थे, हम इसके बदले में अपना अच्छा कर्म लेके आए। अगर आपको जवाब देना हो भगवान को, तो अभी भी 100 रुपये में 50 रुपये तो बचा ही होगा। प्यार से बोलो, अब 50 रुपये में क्या खरीदोगे? क्या नाटक? 50 रुपये है, किसी के पास 25 रुपये होगा, किसी के पास 60 रुपये होगा, 70 रुपये होगा। सब अपने पैसा जितना बचा है, वो बचे धन से, बचे आयु से, हम सत्संग रूपी, भजन रूपी मिठाई लेकर के भगवान के पास चले जाएंगे। प्यार से बोलो, अरे बोल दीजिए ना। और अगले जन्म में हिरण बन जाते हैं। हिरण बनने के बाद भी उन्होंने उस क्षेत्र में बैठ के भजन, मन भगवान के प्रति लगाया, और गलेश्वर से थोड़ा नीचे गंडकी नदी है, वही नदी पर रोज नित्य स्नान करते हैं। उस पुण्य के प्रभाव से वो अगले जन्म में एक ब्राह्मण परिवार के घर में आंगिरस गोत्र से जन्म लेते हैं। फिर जैसे उनका जन्म हुआ, अब उन्होंने विचार किया, मैंने अगले जन्म में कुछ नहीं किया, ऐसे अपना जीवन गवा दिया था, अब इस जन्म में तो कुछ भी हो जाए, न किसी से बात करूंगा, न किसी से कुछ कहूंगा, ऐसा सोच के अपने मन को भगवत चरण में लगाया। किसी से बात नहीं करना, कोई भी कुछ भी कह दे सुनते थे बस। और पिताजी ने गायत्री मंत्र पढ़ाया, आता सब था, लेकिन
जब पिताजी पूछते थे तब चुप होकर के बैठ जाते थे, मुझे कुछ नहीं पता। अब पिताजी ने कहा कभी भी पढ़ता नहीं है, न कुछ कहता न कुछ बताता है, नाम तो भरत है लेकिन जड़ समान है, कह करके जड़ भरत नाम रख दिया। अब पिताजी चले गए, जड़ भरत जी महाराज घर में बैठते थे फिर भजन करते थे। भैया भाभी ने पाल रखा था और भाभियां तो बोल दो हाँ, सबकी भाभी अच्छी होती हैं लेकिन किसी किसी के भाभी बहुत अच्छी होती हैं, प्यार से बोलो। अब भाभी जी ने उनको डांटा, कभी कुछ नहीं करता, खेत में जा कर के फसल लगाए हैं वो देखना। तो भरत जी चले गए, वहाँ जैसे गए सब चिड़ियों को बुलाया, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, सब खाओ चिड़िया अपना पेट भरो करके सबको बुलाया और वो अन्न खिला दिया। फिर भाभी ने डांटा, घर से निकाल दिया। भरत जी महाराज घर से निकल गए और जैसे बाहर जाते हैं और वहाँ पर उनको भीलों ने पकड़ लिया, माता रानी के दरबार में लेके गए। उनका बलि चढ़ाने वाले थे, देवी जी प्रकट हो जाती हैं और दुष्ट का वध करती हैं। फिर भरत जी महाराज आगे चले गए और जा रहे थे रहुगण नाम के राजा अयोध्या नरेश महाराज, रहुगण का सवारी चल रहा था, वो आ रहे थे और चार व्यक्ति उस पालकी को अपने कंधे पर उठा रहे थे। एक बीमार हो जाता है और भरत जी को पकड़ के उनके कंधे पर रख दिया गया। अब भरत जी महाराज इतने सुलझे हुए थे, इतने अच्छे व्यक्ति, चींटियां वहां से निकल रही थी तो भरत जी उछल जाते हैं, राजा को लग जाता है, दर्द होता है और उन्होंने चिल्लाया डांटा, अरे इतने दुबले पतले हो, क्योंकि भरत जी मोटे ताजे थे, व्यंग्य वचन प्रहार करते हैं। अब उसके बाद आज भरत जी को लगा कि आज मुझे कुछ उपदेश देना चाहिए, तो भरत जी महाराज ने रहुगण राजा को बड़ा सुंदर उपदेश प्रदान किया। हे राजन, आपने मुझे जो जो सुनाया है, जैसा बाड़ी प्रहार किया है, आपने बिल्कुल सत्य कहा। इतने दुबले पतले हो, देखिए शरीर का धर्म है कभी मोटा होना और कभी पतला होना। हम कहते ना, अरे कितने पतले हो गए, कुछ खाया करो, इतना मोटा बन गए हो, इतने मोटे हो गए, डाइटिंग किया करो। ये मोटा होना, दुबला होना, पतला होना तो शरीर का धर्म है, इस पर ज्यादा ध्यान ना दिया जाए, प्यार से बोलो। और भरत जी महाराज ने समझाया और कहते हैं, रोहुगढ़ जी ने कहा तुम तो मुर्दे के समान हो। इस प्रकार कहा तो कहते हैं, राजन जो आत्मा होता है ना, न कभी मरता है, आपने बिल्कुल सत्य कहा, जैसा व्यंग्य वचन प्रहार किया था उसी पर उपदेश दिया। फिर रहुगण ने जैसे पालकी से उतर करके पाँव से ऊपर तक सिर तक देखा तो भरत जी महाराज के शरीर पर एक काला सा धागा लटक रहा था, वो था ब्रह्मसूत्र जनेऊ। जैसे जनेऊ देखा, चरणों में गिर पड़े, कहते हैं प्रभु मुझे माफ करना, मुझे क्षमा करना, मैं सबसे नहीं डरता, न इंद्र से डरता हूँ, न किसी राक्षस से डरता हूँ, मैं डरता हूँ तो केवल ब्राह्मण से डरता हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करना, आपने मुझे बहुत सुंदर उपदेश दिया। इस प्रकार रहुगण को उपदेश दे करके भरत जी महाराज अपने रास्ते चले जाते हैं, रहुगण राजा भी सत्संग करने चले जाते हैं।